पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तेरे आज मोहे नरसन हिंदु के तुम देव कहाए, हिंदु के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर आज मोहे नरसन दियो जी कबीर आज मोहे नरसन दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, दोनों दीन का तोहे ना पाए शरीर आज मोहे नरसन दियो जी कबीर आज मोहे धर्म दास की अर्ज गोसाई, धर्म दास की अर्ज गोसाई, खेवा लंगाइयो पर ले तीर आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, धर्म दास की अर्ज गोसाई, धर्म दास खेवा लंगाइयो पर ले तीरे आज मोहे नरसन दियो जी कबीर आज मोहे नरसन दियो जी कबीर। सत साहिब, सभी संगत से प्रार्थना है के भोजन पावे, प्रसाद ले। शाम को फिर 8 बजे सत्संग शुरू होगा, 8:30 बजे। जो दिन में ना आ सकते वो शाम ने लाभ उठावे, वो शाम ने नहीं आ सकते वो सुबह लाभ उठाने। ये 2 दिन का जीवन है, इसमें हिम्मत सी करके और इसमें जो कर गया अपना काम तो बेड़ा पार हो जाएगा। देखो कोई भी कार्य है उसको करने से ही बनता है। अब कहे काम ना छूटता और उसने लेकर रो तक जा रो भाई इसे 2 महीने में वापस आवा, पर इस बात ने भगवान के मार्ग पर ना लानते। जब थोड़ा सा भी बुद्धि ते विचार कर लिए आत्म कल्याण में कतई कसर नहीं रोए। अपना कार्ड के समय जीत और मर गया फिर कुत्ते की जुनी में गया, और उसने भी कोई कह दे ना एक भाई ये सत्संग में नो कहो ना भाई काम बहुत चल रहा सा सारा संभाल करनी पड़े से ईब संभाल दे भूत बन के उड़ा आ जा। अब कुत्ता बनकर उसकी छांव बैठेगा गोबर खानता अंडेगा, ये दुख नहीं याद आता इतना भगवान को ना बजादा। कदे कोनो लल्लो पत्तो समझता गया, चार कथा सुनाया फलाने महात्मा ने बड़ी बढ़िया बात बताई आकर राजी हो गया। कहते इन काम ना चल रहा ये तो बनावटी बातें हैं, अंतकरण में ठेस नहीं पहुंचेगी, डट का वजन नहीं करोगे, बेड़ा पार ना हो। अगर इन्हें लड्डू खाए बीमारी कटती हो ना तो सारे खा कर प्रयाम हो जाए, तो कड़वी दवाई खानी पड़ेगी भाई जब बेड़ा पार होगा। है इस प्रकार पाया करो सत्संग, बड़े बाग ते मिला से को आपके बच्चा कहते हैं कितनी अच्छी तरह छोटे छोटे बालक यहाँ आए से उसी दिन तक अपना सत्संग में लग रहे हैं, अच्छी बात सुने बने तो सेवा करें ना बैठ कर अपना भजन करें से। इस तरह बढ़िया स्थान इस कलयुग मत पावे को ना, जो आज आपने राह पा गया इस पर लगे रहना। और सतगुरु देव मच्छरदानी पंखा और कूलर की व्यवस्था हमने खूब आसानी से कर रखी है। एक परमात्मा का नाम ना लेने से सारी सुविधा छीन ली जाएगी और कुत्ते और कुतिया बनकर हम जंगल में गली में बैठेंगे, बैल बनकर नाथ से बन जावेंगे और भाई मच्छर भी खाएंगे और डांस भी लड़ा करेंगे और साथ में चीतड़ और कलील
और भूख और प्यास गोबर के मां लौटना अपनी पूछड़ में और अपनी पेशाब तबेक है और अपने शरीर का ऊपर मटना सा मसलना और फिर मेरा पाटेगा कि परमात्मा की चीज हो सह इतना खुलती कोई ना सारा दिन डिपा के फिर एक बार थोड़ी सी तकलीफ हो जाओ इंसान के अरण्यों कह दे भाई मेडिकल में जाना पड़ेगा फिर देखे इसकी की बंद है इतने सुख का सांस आवे है यो नहीं मानता किसी ने और एक छोटा सा झटका ईश्वर का है ना और सारा कुंबा रो रो पाग पाग हो जाता है और सुख का सांस था जब परमात्मा कुएं में पड़ो कितना जाओ कोई आठ कोई ना भारत कहते हैं कि दुख में सुख में सुमन सब दुख में सुमन सब करे और भाई सुख में करे ना को जय सुख में सुमन कर ले पर दुख काए को हो। अब कष्ट आवे है जब तुम भगवान ने याद कर ले के देखे हमारे तो बुढ़िया थी नो कर करती भाई फलाने का नो होगी दिक्कत है पर पल्ला गांठ ला ली ते देवी तेरी 100 रुपया चढ़ाऊंगी मतलब आठ लागी तो देवी याद कर ली ना कोई आठ नहीं थी यानी साधना तो ठीक हुई ना बेचारे के पास ना उन्होंने मेरा वा देवी हो सके तो उस प्रकार महाराज कहे हैं कि दुख में सुमन सब करें और सुख में करें न को और जय सुख में सुमन कर ले फिर दुख आए को कबीर सुख में सुमरण ना किया फिर दुख में करते याद और कहे कबीरता दास की इव कौन सुने फरियाद जब बीमार हो जाए ना कोई लाचार हो जाए इव तो इसका कोई इलाज कोई ना जब नो कहेगा किसे भाई कितने ले चाल मने चाहे डॉक्टर के पास ले चाल और चाहे किसी संत के पास है वो उसके भाग में बात है कि कहीं उसने ठिकाना मिले ठीक ना पाओ बेचारे ने तो उस समय नो कहेगा कुछ भी बोल दे और कुछ भी करवा लो मेरी जान बचा दो। अब कहते हैं दुख में सुमरण सुख में सुमरण ना किया इव दुख में करते याद और कहे कबीरता दास की भाई कौन सुना फरियाद। तो जैसे इव हम भगवान बंदी छोड़ के चरणों में पड़े हुए हैं जैसा भी कम या ज्यादा हमारे से धर्म या पुण्य या वजन सुमरण हो रहा है सेवा हो रही है हम कुछ तो कर ही रहे हैं बुराइयां तो बच गए बीड़ी शराब मांस तमाखू निंदा चुगली लड़ाई झगड़ा है हमारे बच्चे भी सत्संग में परमात्मा के चरणों में रहते हैं ईश्वर का याद करते हैं परमात्मा का नाम जन्म कई कई बार याद आवे सुबह श्याम आरती हो घर में दीपक देसी घी की जो जड़े। अब कहते हैं कि इस बात को आम बड़ी आदमी जो पुण्य आत्मा होती है जो गति सत्संगी ना होते वो भी नो क्या करें भाई भगवान करे थारे घी के जलियो घी के जलना यानी घर में थारे परमात्मा मौज करे। तो अब हम देसी घी की जोत जगाने के लिए प्रार्थना करते हैं हर उससे ये हवन का काम करे से क्योंकि हवन के करने से वैसे आपने सुना था मुक्ति नहीं होती लेकिन कहते सरो वासना जात है हवन करने से ऊपरले लोकों में देवताओं के लोकों में या कि शुद्ध वायु पहुंच जाती है ये घी के माध्यम से मंत्रों के प्रभाव से तो देवता लोग प्रसन्न रहते हैं और जहां बंदी छोड़ की अमर ज्योत लगती है उसको देख करके तो सारे ही खुश हो जाते हैं कि जिस घर में इस बंदी छोड़ की जो जड़स है उस बंदी छोड़ के नाम का हवन हो रहा है तो भाई उसके तो चारों तरफ ये देवता पहरा देने लग गया है और बड़ी खुशी मनाते हैं कि धन है इनकी करनी ने धन है इनकी जननी ने जिनके घर पर बंदी छोड़ की वाणी और बंदी छोड़ का ये अमर ज्योत यानी देसी घी की धूप जल रही है। तो कहने का भाव यह है कि दुख में सुमरण ना किया फिर सुख में करते याद कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। अब हमारे ऊपर मान लो कर्म की कोई मार आवे भी गी प्रथम तो कहते हैं
संसरण में आनते भाई आई टले बला और जय माथे पर सूढ़ी होवा कांटे मंटल जे और जो सत्संग में नहीं आते उनका तो कहता कि उठेंगे नहीं सुनने मिलेगी फलाने गल नहीं बनेंगे। और भाई हमारे जो 1921 कोई घटना घटन भी जाती है छोटी मोटी और परेशानी आती है तो हमने जगह अपने बंदी छोड़ के चलना में पड़ कर रहा उन्होंने हमने जगह मिल गई उसके आगे अर्ज करने की और फिर वो पूर्ण परमात्मा है दयालु है हमारे छोटे मोटे जो कोई कमी रह भी जाती है किसी कारण से कोई भाव में कमी है कोई विचारों में हमारे दर कमजोरी आ जाती है तो उसके कारण हम दुख उठाना शुरू कर देते हैं तो उनको भी ये माफ कर देते हैं ये बहुत दयालु हूँ। तो इसलिए कहते हैं एक बार अब जैसे द्रौपदी का प्रकरण अपना रोज बहुत गणे पढ़ा करते हैं कि द्रौपदी की साड़ी बढ़गी पर न्यू बेरा ना था साड़ी बढ़ी क्यों करे। अब बंदी छोड़ गरीबदास महाराज ने इसको प्रमाण दिया कि द्रौपदी एक समय स्नान करने के लिए गंगा के घाट पर गई थी और साथ में गणिये से ली थी उसी नगर की बचपन में उस समय क्या होता था कि बचपन में सभी लड़के और लड़कियों को संतों के पास ऋषियों के पास धार्मिक शिक्षा के लिए भेजा जाता था रोजी रोटी के लिए शिक्षा नहीं थी उस समय सिर्फ बच्चे को धार्मिकता का ज्ञान हो अच्छे बुरे की जानकारी हो जा वो बच्चा आने समय में आने वाले समय में कर्म की मार का मुकाबला कर सके। लड़की को इतना ज्ञान हो गया था कि भाई धर्म के काम ने चूकना नहीं चाहिए। एक समय जब वो स्नान करने के लिए गंगा पर गई क्योंकि उसके पिता द्रौपदी ने एक बहुत बढ़िया गंगा के ऊपर स्नान घाट बनवा रखा था जनाना घाट बोलिया करते पहले और जहां पर वो राजा की लड़की का राजा की रानियों का जनाना घाट होता था उसके आसपास कई किलोमीटर तक पुरुष नहीं जा सकते थे अगर कोई जाता था तो उसको सख्त सजा दी जाती थी। एक अंधा भगत जी उसने जान नहीं थी कि यहाँ पर कोई जनाना घाट से वो स्नान करने के लिए चला गया घाट से तो ठल गया घाट से 2-3 किले की दूरी पर जिधर पानी जा रहा था बह रहा था उधर जाकर गंगा में उतर के गोड्डे पानी में पंतन नहाया खूब फिर अंदर चला गया छाती पानी में और स्नान कर रहा है। उधर से वो लड़कियां स्नान के लिए आती हैं सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तो द्रौपदी ने देखा कि एक महात्मा सामने खड़ा से और बड़ी प्रसन्न हुई क्योंकि भक्तात्मा जो होती है जो भक्तात्मा होती है वो संत ने देखकर राजी होया करे और दुनिया भागों से वो संत गिल खस्ते अंडा करे और फिर उनकी होया करे बिरान मट्टी फिर वो रोवेंगे कर्मान अपने ने। कबीर साहब कहते हैं साधु आता देख कर जो मन में करे मरोड़े वो होगा चूड़ा फिर बसे गांव की ओड़ी। और भगवान आत्मा प्रसन्न होया करे परमात्मा के नाम तक तो द्रौपदी ने जब देखा कि ऐसे महापुरुष सुबह सुबह दर्शन हो गए तो अपने मन में विचार करती है। कबीर साहब कहते हैं कि साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग और दर्शनी को देते हैं वह दिन के पूर्ण बाद कबीरा दर्शन साधु का परमात्मा आवे याद और लेखे में वाहे गिरी और बाकी के दिन बाद बाकी का समय बर्बाद होता है और वो ये दिन जो है लेखे में वो समय है जब हम सत्संग में आते हैं या कोई संतों का दर्शन कर लिया परमात्मा में रुचि बढ़े। तो द्रौपदी ने क्या करा ने सोची महात्मा नारायण से हम भी स्नान कर लेते हैं वो सब लड़कियां और द्रौपदी स्नान करन लगी। कहती हैं हजारों सहेली उनके साथ स्नान करन खातिर जाया करती गांव की लड़कियां उस राज नगर की लड़कियां और साथ में उसकी दासी और बांदियां भी जाती थी। लड़की सभी लड़कियां ने स्नान किया हजारों लड़की नहाई नहाने में 1.5-2 घंटा उन्हें आराम से लग गया
स्नान करने के बाद द्रौपदी को फिर ध्यान आया कि महात्मा कहीं चला तो नहीं गया, क्योंकि उनके पास बैठ के वार्ता करेंगे, भगवान की तर्का सुनेंगे। लड़की ने देखा कि वो महापुरुष तो अब भी नहाने लग रहा है, पर इतनी देर तो नहाना तो ना चाहिए था, और ना भी कोई रहा है, पानी में हाथ मारे। उसमें क्या हुआ कि उस महात्मा के पास एक का लंगोटा था, बाकी कपड़ा कोई नहीं था उसके पास, और वो पानी में बह गया, टूट गया तागड़ी। अब शर्म का मारा बार नहीं आवे, बड़ा शर्मिंदा हो गया। उधर लड़कियां की आवाज आवे, स्नान करती आना, और ज्यादा पानी में घुस गया, और अपना कान बोझ कर खड़ा कि कहीं ये लड़कियां चली जा, फिर देखूंगा कि दिन छिप जाएगा, दिन रात्रि के समय बाहर निकलूंगा। सुबह का समय था, उधर से द्रौपदी ने अपनी दिन दृष्टि से देखा कि महात्मा तो नींद अस्तर हो गए, और वस्त्र कोई किनारे पे दरिया को ना, तो लड़की ने आव देखा ना ताव देखा, अपनी साड़ी में तो एक जट यानी एक बिलात 8-9 इंच कपड़ा पाड़ के और महात्मा की तरफ यानी पानी में छोड़ दिया। जब वो पानी में बहता हुआ कपड़ा उस महात्मा के हाथ के पास से निकल गया, उसने के दिखा था बेचारे ने तो 6 इंच दरे के निकल गया। तो लड़की ने दूसरा फिर पाड़ा, वो भी डाल दिया, वो भी चला गया। 7-8 ऐसे ही वो कपड़े को पिन बहा दी, पर उसने के दिखे बेचारे ने सारी 7-7 दोहरे के निकल गई। अब लड़की ने सोचा कि भाई देखो मेरे बाप समान है, कीडर हो गया। उसने एक लंबी लकड़ी उठाई, बहुत लंबी जैसे जंतर की हुआ करे, और उसके अपना ये कपड़ा लपेट के एक बिलात का और अपनी साड़ी में पाड़ के और महात्मा के आगे कर दिया। अब वो हादसा मारे था उसके कपड़ा ठहराया, अन्य शुक्र मनाओ थे परमात्मा से, अर्ज करे था भगवान कच्ची थड़ा मिल जाए और मैं बाहर निकलन जोगा हो जाऊं। तो इतना उसका कपड़ा नु हाथ ला गया, फट पकड़िया और पकड़ के देखने लग गया कितने का आकार कैसे। हमने पूरा कोपीन का हिसाब पाया को हो, ये तो न्यू तो कोई नहीं डाल सकता। अंधे को इतना ज्ञान बहुत होता है कि ये कपड़ा किसी लड़की का है, और बहुत सुंदर सिल्कन यानी बढ़िया साड़ी का था। कपड़े पर हाथ लगा कर देख कर नु बोले बेटी आज तने मेरी इज्जत बचाई से भगवान उन्हें गणाई दे। कहते हैं देते को हर देता है जहां तहां सियाण, और ना दिया फिर मंगत फिरो परमात्मा सुन नहीं कान। अब यहाँ पर ये देखने जोगी बात है कि राजा की लड़की की गेला कितनी सहेली थी, और बांदी और दासी उसकी नौकरानी भी गणीय थी, और सब साड़ी बांदरी थी। उस लड़की को इतना ज्ञान था कि मैं रोटी खाऊंगी मेरा पेट भरेगा, और ये सहेली खाऊंगी इनका भरेगा, मैं सेवा करूंगी मुझे मिलेगा, ये करेंगी इन्हें मिलेगा। अगर मैं साड़ी का टुकड़ा उनको कह सकती थी वह कि तुम्हें साड़ी पाड़ के गिर दो इस महात्मा की खातिर, पूरी की पूरी साड़ी डाल देती, क्योंकि राजा की लड़की का हुक्म और ऊपर तेने बेराग जानते दो देगी एक के बदले में, पर वह इतना भी अवसर उस लड़की ने उनको नहीं दिया। इसको ज्ञान कहते हैं। एक तो इसमें अभिमान होता, हुक्म होता कि तुम डाल दे साड़ी तो उसको पुण्य ही मिलता। जब तेरे पास साड़ी है तो दूसरे ने क्यों कहे, अब मेरे हाथ में गिलास है, मैंने को लार लाइए रे दो कहे, तो ये भी मेरी सेवा गई। अपनी मर्जी से आपकी नीत हो साफ करने चालो, आगे से सेवक कह दे ला भाई मैं दो सो मैं और भी दौड़े से वो आपकी मौत दे दो, वो दो कोई से की सेवा खत्म नहीं हुई, और आप वहीं बैठे हो लेर ठा के दो लाइए मेरा गिलास, ये तो पड़िया के काम हुआ कर। अपनी चौनी ने कोई ना छोड़े दराम पड़ी होता है तो तुमने बेरा को ना सेवा का की फल होता है। तो इस प्रकार वह लड़की इतनी श्याणी थी, उसने ज्ञान था कि मैं सेवा करूंगी मैं दान करूंगी मुझे मिलेगा, और ये करेंगी तो इन्हें मिलेगा। उनको तो बेरा भी ना पाटन दिया, न्यू बोली बावड़ी होगी तो द्रौपदी जमाए इतनी बढ़िया साड़ी का नाश कर दिया जो बिना ज्ञान की थी वह न्यू बोले।
अनुबली बाबे ठीक से तुमने के मतलब से इस बात का मेरे काम न मैं जानू। तो फिर क्या हुआ, अब वो साड़ी देकर वह लड़की आ गई, बात आई गई हुई, लड़की ने कौन सा न्यू दिया था, वो दान के भगवान मेरा न्यू करिए, ऐसा दिया हुआ दान सीमित होता है, कैसा कि भगवान मारा न्यू हो जा थारा पाठ करवाऊं, वो तो सिर्फ उस काम तक सीमित हो गया, उसका आगे फल नहीं मिलता। और जो बिना इच्छा के जो धर्म आप करते हो, नी इच्छा जो देत है सो दान कवावे और फल बांचे नहीं तास का, वो अमरा पुर जावे। तो द्रौपदी ने इच्छा व्यक्त नहीं करी थी कि भगवान में साड़ी जब पाड़ के दूं एक कपड़ा कि मेरे न्यू लाभ हो जावे, नहीं, उसने नहीं इच्छा अपना फर्ज समझ के और एक साधु की मदद करी, भगत आत्मा को दान दिया। अब क्या हुआ कि जब द्रौपदी की साड़ी चीर उतारा जा रहा था, द्रौपदी ने अपने पतियों का की तरफ देखा कि मेरे पांच पति और भाई उदमस्तार देंगे जो हाथ ला दिया तो सभा में बैठे। उस लड़की ने इतना ना मेरा था कि यहाँ सब नकली सौदा से, ना कोई किसी का पति है, ना कोई किसी का पिता से, और ना कोई पत्नी है, ना लड़का और लड़की है, सब स्वार्थमंद जीव है। पर ये जत जब से जब खुद बीत लेती है इंसान की गिला, तो उस लड़की का ना जचे थी कि तेरे पति न्यू के न्यू बैठे रहेंगे और तेरी वहां पर बेइज्जती होगी। तो जब उसने देखा कि वह तो ऊपर ने देखते भी कोई ना, और दूसरा सर ने उसका पल्ला पकड़ लिया चीन उतारने का ही, फिर उसने देखा विषम पिता में द्रोणाचार्य और कर्ण सामने बैठे हैं, और धृतराष्ट्र ने तो दिखे ना था पर प्रार्थना उससे भी करी, तो कोई ऐसा ना बोले मुंह है, और द्रोणाचार्य विषम पिता में है और कर्ण उनमें तो एक जना भी अगर खड़ा होकर और न्यू कह देता कि खबरदार जिस लड़की का अखलास है और अमियो इसमें तुम क्या अंतर समझ रहे हो, और सभा के अंदर ये पहला इस वर्ल्ड का पहला इतिहास है कि 10 आदमी में किसी औरत का नंगा करण करा जा रहा था और वो नीच आत्मा न्यू के न्यू बैठे रहे। आज भी कोई रास्ते चलती कोई लड़की ने कोई छेड़े से तो दूसरे आदमी उसका बक्कल तार देंगे इर के, और वह सब अमर उनके गीत गाँव बिला महाभारत में योद्धा थे विषम पितामर फलाने और द्रोण और कर्ण, तो सारे पशु इकट्ठे हो रहे थे, खाकर दुर्योधन के मलिन अनको बुद्धि भ्रष्ट हो गए थे। तो द्रौपदी ने अर्ज किया कि हे विषम पितामह, हे गुरुदेव और कर्ण जी मेरी रक्षा करो, कोई ऐसा ना बोले। कहते उस समय विदुर खड़े हो गए, इधर नो बोला रहा भले पुरुष तुम कर के रहे हो, अपना दुनिया तो विचार कर लियो, या इसी है तो पांडवों की वो और इसी है थारी, तुम चाचा ताऊ के भाई और काल नन्नो ना कहे द्रौपदी की नंगी होगी, नो कहे तुमने कम मेहनत अपने अपनी इज्जत आप पे तार ली, पर वो तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुके थे, उनका काल चक्कर काट रहा था, उनके एक भी समझ में ना आती शैनी बात तो, और उल्टी कह दे उसने स्वीकार करे थे। कहते विनाश काले विप्रता बुद्धि, जब नाश इस इंसान का आता है उल्टा चलेगा, सारे उल्टे गेर लगेंगे उसके। विदुर कहे ये बंधु थारा ने बोले थारे भाई से, भाई तुम किसकी बेइज्जती करो सो, विदुर कहे ये बंधु थारा एक कुल एक परिवारा, और विदुर के मुंह पर लग गया थपेड़ा, ने बोले तू तो है पांडुआ का चेहरा, विदुर के मुंह पर दूसरा से न थप्पड़ मारा, बोला तू तो इन पांडुओं का नहीं बोल रहेगा, इनका चमचा से ना इश्कर का बोल रहा है, इनका चेहरा से तू इनका चेला से, तू तो है बांदी का जाया, अपने चाचे ने ये शब्द बोले हो निर्भाग आत्मा, तू तो है बांदी का जाया, और वहां पर कहते हैं विषम द्रोण और कर्ण मुस्काया, जब उन्होंने कहा ना तो बांदी का जाम से यानी बांदी का पैदा हुआ था, तो तीनों दांदरे कह दे जबकि चाहिए था खड़ा हो कहने कहना रहे क्यों करो बोला तो नस्ने कमे इतना चाचा लग गया है, अपने चाचे का बर्तन अच्छा दिया, फिर इतना भी लफ्ज का डन जोगे नहीं रहे, तो विदुर वहां से उठकर चला गया कि ये तो नाश कट्ठे हो रहे सारे, अब इनकी छात बोल दे रही है। देखो भगत आत्मा था, बुराई देखी नहीं गई, पर अपने मुंह तो उसने दो कहना था कह दिया,
मानना ना मानना उनकी बस की बात, उनकी मर्जी है, परमात्मा उस पर प्रसन्न होता है, वो दोषी नहीं होता। और सभा में बैठे अन्याय को सहन करता है वो पाप का दोषी है, पाप का भागी है, या तो वहां से निकल जा और ना खड़ा होकर कह दे तुम गलत कर रहे हो, नहीं मानना अपना उठ कर चला जा। ये एक नियम होता है, कोई पंचायत के अंदर भी जावे और कोई नहीं माने तो जुलम सामने मेरा पट जैसा कि ये गलत कर रहे से, एक मतलब तगड़ी की तरफ बोल अल्लाह अगरे सारे पता लग जाता है तो वहां से खिसक जाने में फायदा हो से, उसके समर्थन में आनी होती है। तो इस प्रकार द्रौपदी ने देख लिया भाई तो सारा सूखा सांग इकट्ठा हो रहा है, न किसी के पति और न ये गुरु जी बैठे सामने, ये भी अपना स्वार्थी हो रहे हैं, खा कर नीच आत्मा के इनको और बुद्धि मलिन हो दी, जैसा खावे अन्न कहते ऐसा हो जा मन। अब द्रौपदी ने कुछ ना सूझी और सब चारों तरफ से निष्क्रिय होकर एक परमात्मा मन ला ली, अब तेरे बिना मेरा कोई नहीं दाता, तेरे बिना मेरा कोई नहीं मालिक, ये देख लिया सब सूखा डमडमास है। और इतना कह कह बहुत ज्यादा रोंग रोंग खड़े हो गए, अब तेरे बिना मेरा कोई नहीं मालिक। ठीक है, अर्ज तो देखो दुख में सभी भगवान की करते हैं, लेकिन उसकी अर्ज सुन ली परमात्मा ने और की ना सुनते। हम देखा अखबारों में करा कितनी बहन बेटियां की इज्जत लौटन ला गिरी, क्या वो परमात्मा ने याद नहीं करती होंगी, लेकिन उनकी सुनाई नो नहीं होती कि उनको किसी समय में ऐसा कोई पुण्य नहीं बना, ऐसा कोई दान नहीं करा जो कि उनके सामने कवच बनकर खड़ा हो जा, परमात्मा उसको लाभ देने जोगा हो जा, उसकी रक्षा करने जोगा रहे। परमात्मा भी निष्क्रिय है जब तक ये प्राणी अपने कर्म सुधारे को ना, दान पुण्य नहीं करता। तो उस समय कहते हैं भगवान कृष्ण रुक्मणी के साथ छत पर बैठ गए और पासे खेला था जैसे शतरंज खेलिया करें, और शतरंज के जब पासे ऐसे डालते हैं तो उसका कोई मोत बोला करें, जैसे ताश खेल ध्यान कराया करें फलाने इतने फलाने इतने, तो वो शतरंज खेलती आना पासे डाल के जो पासों का अक्षर बोलना था वो तो ना बोला, पर ने बोला अनंत, ऐसे पासे डाले और कृष्ण जी ने हाथ ऐसे कर दिया, इन्हें बोले अनंत। रुक्मणी उसके मुंह का ना देखे कि पासे तो खेल का तो यू कोई शब्द को ना, आपने अनंत क्यों कहा, हाथ पकड़ लिया उनका, हाथ पकड़ के आसन लाएगी कि यू अनंत का तो मेरे समझ में ना ही, अनंत तो इसका कोई मतलब है कोई ना इस खेल में। तो क्या कहता है कि रुक्मणी कर पकड़िया मुस्काई, कर कहते हैं हाथ ने, रुक्मणी कर पकड़िया मुस्काई अनंत कहा मोको समझाई, ये अनंत क्यों कहा इसके बारे मुझे जानकारी दो। कृष्ण जी बोले दूसरा सन ने द्रौपदी पकड़ी और मेरी भक्ति सकल में सिकरी, जय मेरा भक्त पे छोड़ी होई तो हमारा नाम ना लेवे कोई, हमारा कोई नाम ना लेवे, अगर आज भगत के ऊपर भी आँच आएगी और फिर भगवान ने कौन पूछा बावली। कहते तन दे ही से पासा डारी, शरीर से तो खेल रहा है और पहुंचे सुख समरूप मुरारी, खेचत खेचत खेच कशीसा और सिर पर बैठे हैं जगदीशा, द्रव सुता के चीर बढ़ाए तो शंख शंखो पार नहीं पाए। अब ये विचार करने की बात है यहाँ पर कि दूसरा द्रौपदी के चीर बढ़ गया और ना बढ़ता क्या उसकी उस लड़की ने वो दान कर रखा था। कुछ दिनों के बाद भगवान कृष्ण आते उनके पास पांडवों के घर पर गए, द्रौपदी उनके चरणों में पड़कर रोने लगी, कहने लगी महाराज जी हे भगवान इस पापनी पर आपने कौन से ऐसी मेर क्यों कर दी कि ऐसी अनहोनी करके दे दी मेरे ताई। कृष्ण जी कहने लगे द्रौपदी तेरा ही किया हुआ है, अक मेरा तो कोई ना महाराज जी ऐसा अक नहीं, तेरे से हमने पुण्य करवा लिया था पहले ही, पता था कि तेरे ऊपर कष्ट आओगे, तूने एक समय पुण्य किया था निवली महाराज जी सा पुण्य, मेरे को दृष्टि में याद भी कोई ना कि इतना पुण्य कर दिया जिसके कारण आपने
एक अनमोल इतिहास पैदा कर दिया। उसने अपनी दिव्य दृष्टि देकर और उस लड़की को दिखाया कि एक समय तो ब्याही कोई ना थी, कुंवारी थी अपने पिता के घर पे, उस समय तो नान गई थी बेबे। और जब वो दिखे है रील पछली अपनी आख्या तय, ओए होए निवली महाराज जी, एक बिना के कपड़े कार इतना पुन, एक लीर के कारण मेरे बढ़ गए चीर अपार, निवली जब मैं पहले जानती तब सबके में देती वायर। अगर मुझे जब ज्ञान हो जाता कि इस छोटे से पुण्य का इतना मुझे प्रतिफल मिलेगा तो मैं चूकती नहीं महाराज जी, आते बात छूट गई। इस प्रकार महाराज कहे देते को हर देत है जहां तहां से आन, और ना दिया फिर मांगते फिर ये परमात्मा सुन नहीं का। इसी प्रकार जैसे सर्दी आवेगी और सर्दी में जो है मोटे वस्त्रों की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, जिन्होंने वो वस्त्र तैयार कर रखी हैं, रजाई का प्रबंध कर लिया, स्वेटर दर्सी ले ली, तो सर्दी आकर चली जाएगी पर जान तक होने हमारे। इसी प्रकार जिन्होंने धर्मपुन सुमन गुरु की शरण ले ली, कर्म की मार आवेंगी पर वह दुखी तो ना करे, धनी काल नहीं करे। कहते सन सन में आड़ते आई टले बला, जय माथे में सोड़ी होगा कहते हुए चल जा। एक समय की बात है, एक बहन विधवा होगी और एक का लड़का उस पे, और वो लड़का क्योंकि पिता का हाथ दाब उत्तर ना हो, लड़का के बिना परवाह करया करता माता की, माँ क्यों लाड गणे करया करे अपने बेटे की, छोटी मोटी गलतियां ना भी माफ करती ही रहती है, और फिर वो इतना सर फिर जैसे उसका वो माँ ने कुछ ना समझता, और फिर भी ममता माँ की बहुत बड़ी रहती है, उसकी सौ बुराइयां ने भी सहन कर लेगी, पर वो दोनों दिमाग खराब होता चला जाता है। उस लड़के के लिहाज से ही बना, उसका लड़का था पिता था कोई ना, पहले तो वो अपने पति के मर जाने के दुख में रोने लगी, आंखें सुजा ली, कंडे मोली बेचारी। उसके बाद वो लड़का बुराई करने लग गया, बीड़ी शराब सुलफा जी का प्रयोग करने लग गया, तो उस एक काम और भी साथ में करता था, गलत आदमियों के पास बैठ कर चोरी और करने लग गया था। चोरी का मानना मेरा था कि इतना भी गिर लिया निर्वाह के चोरी भी करने लग गया। एक दिन एक पड़ोसन आई उसके पास, ने बोलिए दूध से था रहे अकान दूध से बेबे की जरूरत पड़ेगी, अगर दूध मैं सत्संग में जाया करूं और मेरा रोटियां का नंबर से और मारी मैं दूध ना दिया बेबे थारा फिर कुआं दे देगी। ने बोली ना है फिर कुआं के देना तो अच्छी जगह ले जा, बता ये भगवान कद कद जन्म दे मारे पति। इतना उस बेचारी कुछ पहले संस्कार थे ऐसे सुथरी बोली, तो उसके ऐसे विचार भाव ने देख कर वह पड़ोसन जो सत्संग में जाया करती थी वह बहन ने सोची क्या तो बढ़िया दिख है ऐसा लड़की औरत है, मतलब ठीक बोल रहा है, तो क्यों ना इसने भी बता दूं कि तो इतना दुख पा रही सारे दिन रोए जावे मेरे गिल सत्संग में चाल पड़ा कर। उसने सत्संग से आकर उसके घर पर गई और ये जिक्र कर दिया, पानो बोली बहन चलते मैं पढ़ू पर मेरे गिला कई काम हो गए। क्या हो गया? एक तो मैं विधवा होगी, तुम तो जा सकती है, तुम्हारे सिर पर धनी है कोई टोक अड़ा को ना, और मैं घर से निकलूंगी तो सौ सौ बात दुनिया बनाओगी, तो बोली है तुम दुनिया का की लेना बावड़ी, मीरा बाई ने देखा ने देखे के कहा था दुनिया ने, के कहा था दुनिया ने, सब ने कहा करते तुम उतना जाकर सत्संग में ठाकरांगी छोरी हो, कहते ने ताला पाट दिया जुलम कर रही तो के कहेंगे या दुनिया थूकेगी हमने तारी जगह जगह बेचती हो से दुनिया बूंदी अच्छी कर। तो मीरा माई के बोली सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे आए मारी लोग करें तकरार,
सत संग में जाना मीरा सत संग में जाना मेरा ना छोटरी सत संग में जाना मेरा ना छोटरी आरी चाहे जड़ के मरो सन सारे सत संग में जाना मेरा ना आरी चाहे जड़ कमरो सन सारे सत संग में जाना मेरा तारे सत संग के राय मैं तारे सत संग के राय आए वहां पर रहते हैं काले नागे कोई कोई नाग तन डस ले आए वहां पर रहते हैं काले नागे कोई कोई नाग तन डस जब गुरु मारे मेरे करी जब गुरु मारे मेरे आरे वो तो सर पगंडे भी बने जाए सत संग में जाना मेरा ना छूट है आरे वो तो सर पगंडे भी बने जाए सत संग में जाना मेरा ना सत संग में जाना मीरा छोड़ दे सत संग में जाना मीरा छोड़ दे आए मारी लोग करें तकरार सत संग में जाना मीरा छोड़ दे आए मारी लोग करें तकरार सत संग में जाना सत संग में जाना मेरा ना छोटरी सत संग में जाना मेरा आरी चाहे जल कमरो सन सारे सत संग में जाना मेरा आरी चाहे जल कमरो सन सारे सत संग में जाना मेरा तारे सत संग के राय मैं तारे सत संग के राय आए वहां पर रहते हैं बबरी शेर कोई कोई शेर तन खाले आए वहां पर रहते हैं बबरी शेर कोई कोई शेर तन खाले जब गुरुआ की मेरे प्यारी जब गुरु जी की मेरे प्यारी आरी वो तो शेरों के गिदड़ बने जाए सत संग में जाना मेरा ना आरी वो तो शेरों के गिदड़ बने जाए सत संग में जाना मेरा ना
सत संग जाना मीरा छोड़ दे, सत संग जाना मीरा छोड़ दे, आए मारी लोग कर तकरार, सत संग जाना मीरा आए मारी लोग कर तकरार, सत संग में जाना मेरा, सत संग में जाना मेरा ना छोटरी, सत संग में जाना मेरा आरी चाहे जड़ कमरो सन सार, सत संग में जाना मेरा छोटरी, आरी चाहे जड़ कमरो सन सार, सत संग में मेरा तारे सत संग के बीच में, थारे सत संग के आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे, आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे, तेरे री मन में माता पाप सरी, तेरे री मन में माता पाप हरी, संत मेरे माँ बाप हरी, संत मेरे माँ बाप हरी, आरी वे तो कर देंगे बेड़ा पार, सत संग में जाना मेरा छोटरी, आरी वे तो कर देंगे बेड़ा पार, सत संग में जाना मेरा छोटरी, सत संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत संग जाना मेरा, आए मारी लोग कर तकरार, सत संग में जाना मेरा, सत संग में जाना मेरा ना छोटरी, सत संग में जाना मेरा आरी चाहे जड़ कमरो सन सारे, सत संग में जाना मेरा आरी चाहे जड़ कमरो सन सारे, सत संग में जाना मेरा वो तो हो जाते चमारे, वो तो जाते चमारे, इसमें हमारी आर है, इसमें हमारी आर है, तेरे लेख माता चमारे है, तेरे लेख माता चमार हरी, मेरा सरजन आर हरी, मेरा सरजन आरिव तो मीरा के गुरु रविदास, सत संग मंगण मेरा ना छोटा, आरिव तो मीरा के गुरु रविदास, सत संग मंगण मेरा ना छोटा, सत संग मंगण मेरा छोड़ दे, Hey, 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 hey.
आए मारी लोग कर तकरार सतसंग में जाना मेरा आए मारी लोग कर तकरार सतसंग में सतसंग में जाना मेरा ना छुटरी सतसंग में जाना मेरा ना आरी चाहे जड़ कमरो संसार सतसंग में साहिब। जब मीरा ने सत्संग में जाना बंद नहीं किया और राणा जी ने जहर भी दे लिया और भाई कहते हैं एक बार सर्प भेज दिया एक टूमा के डिब्बे में जो गहने का जेवरों का डिब्बा हो सै उसमें यू कह दिया कि ले मीरा ने दे दे इसमें 900,000 हार लिया उसकी खातिर उसके देवर ने। उसका पति मर चुका था 2-3-4 साल शादी के बाद वो मर गया था। तो मीरा ने बार को खोला उसमें डिब्बे को खोला तो उसमें काला सांप भेज रखा था पर वो मीरा के खोलते ही हार बन गया और उसने ठाकर वो हार गले में डाल लिया। तो राणा जाता है देखने खातिर उसका देवर उसने देखा कि वो तो गले में हार पहरे बैठी है अरे डब्बा खाली दौरे दे रहा। तो उसने सोचा कि आज तो या बचगी तड़के इसने तलवार तो मार दूंगा कट्टे रंटंटा मिटा इसने तो बेइज्जती कर दी मारा बट्टा ला दिया। सवेरे सवेरे गया बखत है कि रात ने फिर सत्संग में गई थी कहाँ गई थी कहते ने तलवार काटी एकदम काला सांप ने सामने दोरा ठाकर उसके माथे में डंक मारने की तरफ ने हुआ और राणा जी के नीचे जाकर पीछा जाकर लग गया और गेर का तलवार ने वो जार सांप उसके पाछे मुड़कर देखे है तो सांप एक मोरी में कबड़ का बाहर निकल गया। अब मीरा बाई ने उन्हें सोची भैया नो कोई ना माने इसकी मां ने बुला लो और मां की लड़की बात स्वीकार कर लिया करे। उसकी मां ने बहुत समझाई बेटी तू बाहर ना जा कर देखे मारी बेइज्जती हो से सत्संग में ना जा कर बोली मां मैंने बेरा पट गया इन बातों का कि आज मैं अगर सत्संग में नहीं जाऊंगी संतों की शरण में नहीं जाऊंगी नाम नहीं जपूंगी भगवान का मैं कल ने कुतिया बनूंगी और ये ठाकुर समाज मेरा केस डाल डाल देगा कल मैं कुतिया बन कर नंगी अंडा करूंगी जब यह इज्जत मेरी किस जाओगी। उसकी माँ फिर डराने लगी कि तोरा इतनी दूर जावा नेरे बावड़ी रास्ते में काले काले नाग और एक भी लड़ गया ना तो रानी भी ना मांगेगी न बोली माँ कोई बात ना मरना तो एक दिन सहे पर आम जिसकी शरण में जा वो छोटी शक्ति को ना पर ने बोलिए शेर इसे घूमे शेर गुण बीच में जो है ना तेने बोले जी कुछ भी कहो बस शेर भी कोई ना खाओ हमारे लिए तो गादड़ बन जाएंगे। फिर भी नहीं मानी तो और बुराई उसके सिर पर लावसक वहां जाती है वहां भगदंड भी रहते हैं पुरुष भी रहते हैं बेबे पर बिरानी का धन्य कमे भी आकर उन्होंने बोली माँ ये तेरे मन का अंश है सत्संग में निकम्मे का काम की अगर कोई निकम्मा भी जाओगा तो भी सत्संग में सुधर जाया करे। कहते हैं सत्संग मान तो पापी भी पार हो जाते माँ एक वैभव उसने 10 अच्छी बात बताओ पर बुद्धि पाछली सवार हो रही थी सत्संग माई को ना ठाकुरानी बनी बैठी थी तेने बनी ठाकुर को ना तुमने बढ़िया रहो मैं तो मरो चाहे जीव और नाड़ काटनी हो दाज काट देंगे मन दस कति अपने हथेड़ी पहले भरोसो हाँ अगर मैं कहीं गलत पा जाऊं पूरे टुकड़े कर देंगे पर मेरे बदन में बाधा क्यों करते हैं ये लोग पर नहीं मानी तो कहते हैं आदमी रामबाई के गीत बना बना लगाई गांव से छोरी और आदमी भी अगर वह मीरा बाई अपने उस समय पर थोड़ी सी भी अणकान मोड़ जाती लोग लाद ने देख लेती तो कुती अपनी अंडो को भी ना पूछो मीरा बाई ने। इसी प्रकार ये सो अवसर है जिन भक्ति का मार्ग का ज्ञान हो गया लोग लाद नहीं करे पर भाई अपने चरित्र तो भी नहीं करे ये खास नियम होना चाहिए जब भगवान साथ देगा आपको अपनी सच्ची श्रद्धा अपने ईश्वर में लाए रखे फिर बेड़े पार होंगे और बकवादे करने लागे सत्संग में भी आकर फिर आने का कोई फायदा नहीं से पर दोनों पापी होंगे दोनों नुकसान उठाओगे काल पाओगे
और भगवान को भी दोष लगाओगे, संतों को भी बदनाम करते हो नीचात्मा, तो सत्संग आकर भी कुबद नहीं छोड़ सकते, तो फिर उनके संग धरती पर नहीं है। वो तो फिर कहते हैं तो उसकी प्रकार है, जैसे कहते हैं कोट वर्ष करे संगत साधा की, और पत्थर का पानी में के बीज है, और जैसे चंदन बन में रंग लादे पर बांस बिटम्बी ना सीजे। जैसे चंदन का पेड़ होता है, आसपास के नीम ने भी चंदन जैसी महक वाला वृक्ष बना देता है, अपनी महक छोड़ छोड़ के, अपनी महक छोड़ छोड़ के, और वो नीम उसने ग्रहण कर लेता है। तो नीम को भी नीम नहीं कहते, चंदन की महक देख कर चंदन की लाकड़ी से। लेकिन ये बांस होता है ना, बांस ये चंदन के पेड़ के द्वारा यारो, इस पर कोई असर उस बांस का नहीं होता, चंदन की महक उसमें प्रवेश नहीं कर सकती, बांस चंदन नहीं बनता। तो वो निकम्मा जीवात्मा जो सत्संग आकर ग्रहण नहीं करती अच्छाइयों को, वो तो बांस कैसे है। कहते हैं चंदन बड़ में रंग ला दे पर बांस बिटम्बी ना सी जाए, हंस आत्मा होती है वो हंस बनकर चली जाएंगे, और निकम्मे फिर भी अपने कर्म ने बिगाड़ के और कुत्ते की दुनिया में जाएंगे। तो इस प्रकार जब सत्संग उसने सुना मीरा बाई ने का, कि भी मीरा बाई ने जब इतना संघर्ष करना पड़ा समाज के लिए, तो वह जो बहन थी जो विधवा हो रही थी, समाज तो डरती सत्संग में जान का नाटे थी, तो उसकी हौसला सा बढ़ गया, भी बात तो ठीक है। अनु बनी तेरा के पीछे सह भी के नो बता, लड़का से तेरा यू बिगड़ दिया, पति तेरा मर गया, ये समाज तेरे बता कौन सा रोटी दे दे जगा के अकना, बल्कि मेरी तो वह दादाज और दा बेरे से मांगो तो गुरावस है तो देवर जेठ, फिर बता फिर क्या कह डरे तने। पर वे देखो अपने नेक नीति तो रहना और परमात्मा का वदन करना, फिर मालिक की देकर पाप के ऊपर होगी। तो वह बेचारी कई सुने थे सत्संग में जान लाएगी है, सत्संग में जाने लगी तो सबसे पहले दुख रोवा कि महाराज जी मेरा लड़का बिगड़ गया, जो दुख हुआ था मेरी जान ने वो तो था ही था, पति मर गया इस तो बड़ा दुख और क्या होगा औरत ने, और ऊपर तो एक लड़का था, इसकी आस तक ही थी कि हो सकता है ये कामयाब हो जाए, इसने ब्याह था कि मैं अपना जीवन सफल कर लूं, पर यो जमा बिगड़ रहा है, इसकी शराब यो पीवे सुल्फा यो पीवे मैं और बोलू तो छो मा जावे। महाराज जी ने यही सलाह दी कि बेटी आया करो सत्संग में और सेवा करो यहाँ पे, और भगवान का नाम ले जा, कोई किसी का नाट ना, कोई बेटा ना कोई बेटी, ये तय लनियार से आप अपने समय खातर थोड़े समय खातर आ रहे से, कोई तछला लेने आ रहा है कोई देने आ रहा से, पर यह कोई ना समझ मानती, फिर भी ममता इतनी गहरी हो से ये वाली महाराज जी दया कर दे, वो भी सत्संग मान लग जा। तो उन्होंने ये कहा तो सच्चे मन तो लगी रहे सारे काम हो जाएंगे, बेबी देख तो कच्चे पण में आ गई तो फिर कुछ भी कौन बढ़े, अग्ना महाराज जी मन तो पूरा ज्ञान हो गया, मैं तो अपने उद्देश्य बोलूँ को ना, और वो भी आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है लड़का। तो क्या हुआ, वो लड़का गंदे बच्चों की संगत में बैठकर चोरी कराया करता, उसने के सोचा उसके साथियों ने कि भी छोटी मोटी चोरी तो काम नहीं चलता, मैं पूरी बरकत को नहीं होती, इब कह राजा के महल में चोरी कराएंगे, रानियों के हार एक एक नौ नौ लाख का बताओ से, और अपने मुंह में पानी भरया मीठे अपने मुंह में यार मीठू बन रहे बड़ी पूछे सोची राजा का महल वो होया करे, एक उनसे थोड़ा मैं उठने पर कूद कर जाकर ठा ले किसी के सौदे ने। पर उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो ली क्योंकि उनका अंत भी आ लिया था, तो सारे उसके साथियों ने समेत उस लड़के ने मैन के लड़के ने जो सत्संग में जाती थी, रात्रि के समय राजा के महल में चोरी करने की स्कीम बनाई, और उसके लिए पुराने मंदिर के पास, क्यों मंदिर के आसपास आदमी ज्यादा कोई शक भी ना करता कि वो मंदिर में आए होंगे, मंदिर के पास इकट्ठे होना रात के 12 बजे निहित कर लिया। उधर से वह लड़की जो संगत में उसकी माँ सत्संग में जाया करती थी, तो उस दिन उसने कुछ प्रेरणा दी परमात्मा ने बंदी छोड़ने के, बेबे अपने मन में सोचा है आए आप
सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।